Good morning, student. Our today's topic about banking sector in India. So shall we start? So first of all, we start from the introduction. Today, the banking industry in our country is the strongest and capable of withstanding the pressure of competition. Obviously, our industry mein competition hota hai. So banking sector is one of the strongest सेक्टर जहाँ पर भी कंपटीशन फेस करना होता है. यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो ग्लोबली होता है. सारे बैंक्स पर कैसे होता है? ग्लोबली होता है. इट विथस्टूड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन. बैंकिंग सेक्टर इंडिया इज रैपिडली चेंजिंग इन 1990s ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन विद एंटर ऑफ न्यू प्राइवेट एंड फॉरन बैंक्स इन रेगुलरली चेंज ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर. तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग एरा है, वो लगातार बहुत सारे चेंजेस से बदल रहा है. फॉर एग्जांपल, चाहे आपकी नई टेक्नोलॉजी आई हो, चाहे आपका फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन हो, लोगों को के पास फंड्स हो, उनको मैनेज करना हो, फॉरेन बैंक्स का इंडियन गवर्नमेंट में रेवोल्यूशन हो, या फिर कुछ भी रेगुलेटरी चेंज या लीगल चेंजेस हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो, इंडियन बैंक को उसके साथ कोप अप करना पड़ता है. बैंकिंग इंडस्ट्री इज ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स अडॉप्टिंग द ग्लोबली इन बेस्ट प्रैक्टिस. इन आर कंट्री करंटली वी हैविंग फेयर विद ऑल डेवलपिंग बैंक सिस्टम विद डिफरेंट क्लासेस ऑफ बैंक. तो ये क्लास कौन से हैं? हमारे यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट के पास बैंकिंग सेक्टर है, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरन सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है. यहाँ पर सारे तरीके के बैंक हैं, चाहे ओल्ड जनरेशन हो, न्यू जनरेशन हो, इट्स मीन्स रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक विद जो किसके साथ कोऑपरेट करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ लीडर ऑफ द सिस्टम. देर आर करंटली 27 प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, आउट ऑफ विच 19 आर नेशनलाइज एंड 6 बैंक आर SBI एंड इट्स एसोसिएटेड बैंक. द रेस्ट टू आर IDBI बैंक एंड भारतीय महिला बैंक, which are categorized as other public sector bank, 23 private sector bank and 46 foreign bank with 325 branches as on December 2015, along with 61 regional development rural bank RRBs and more than 90,000 credit cooperatives. So here we first have to understand brief historical background of Indian banking system. तो हमारा जो फेज है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यानी कि इनिशियल स्टेज है, वो फेज कब से स्टार्ट है? 1786 से 1969 था. द फर्स्ट बैंक वॉज जनरल बैंक ऑफ इंडिया विच स्टार्टेड इन 1786 एंड बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बोथ ऑफ विच आर डिफंक्ट. ये जो बैंक थे दोनों, जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो 1786 में स्टार्ट हुआ था एंड बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अभी दोनों डिफंक्ट है, यानी कि कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं. The oldest bank in existing in India is State Bank of India, which was originated at the Bank of Bengal. तो जो हमारा स्टेट बैंक है वो सबसे ज्यादा पुराना बैंक है इंडिया में, और ये ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि किस नाम से ओरिजिनेट हुआ था? द बैंक ऑफ बंगाल इन कोलकाता, June 1806. This is one of the third presidential bank. The other two being Bank of Bombay, Bank of Madras, and three bank merged in 1921 to form a Bank of Imperial. अभी तीनों बैंक जो थे वो बाद में मर्ज हो गए और जो ये क्या बने, बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट हमारा जो हाईलाइटेड रिफॉर्म है, फॉरेन बैंक टू स्टार्टेड टू अराइव. अच्छा, फॉरेन बैंक्स ने भी इंडिया में आना शुरू कर दिया था, पर्टिकुलरली इन कोलकाता 1860s. ठीक है, जो बैंक धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेगुलेटरी ऑफ बैंकिंग सेक्टर फ्रॉम 1935. जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने बैंकिंग रेगुलेशन कमांड कब संभाली? 1935 में. आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस द रिजर्व बैंक वॉज नेशनलाइज ऑन 1 जनवरी 1949. आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारी आजादी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949 अंडर आरबीआई एक्ट 1948 गिव अ ब्रॉडर पावर. तो यहाँ पे आपको आरबीआई का एक एक्ट बना जो 1948 से रिलेटेड था, और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कंट्रोलर बैंक घोषित कर दिया गया.
After Indian independence, Imperial Bank of India become the State Bank of India in 1955. जो ऊपर के तीन बैंक इधर मर्ज हुए थे वो यहाँ पर क्या बन गए, यहाँ पर वापस से वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया इन ईयर 1955. बिफोर 1969 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया. अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइज बैंक इट वॉज नेशनलाइज इन 1955 अंडर द सेबी एक्ट ऑफ 1955. तो यहाँ पर हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पहला नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक बना और इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट बना 1955. आफ्टर इंडिपेंडेंस फेज सेकेंड विच स्टार्टेड फ्रॉम 1969 एंड 1991 जो हमारा एक मेजर फेज है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की ग्रोथ में. The second phase of nationalized bank plays in 1969. तो जी हमारा second phase है वो कब से start हुआ? 1969 से. उस time पे 14 bank were nationalized in this year by the Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. तो यहाँ पर 14 bank को nationalized bank किया गया. The major objective behind nationalized was spread banking network in a rural area and make available cheap finance to Indian farmers. जो इनको नेशनलाइज करने का मेन रीजन था वो ये था कि रूरल एरिया में बैंकिंग सिस्टम के लिए लोगों की जागरूकता बढ़े, उन्हें चीफ क्रेडिट अवेलेबल हो, चीफ फाइनेंस अवेलेबल हो और इंडियन फार्मर का विकास हो. हमारा जो थर्ड फेज नेक्स्ट हमारा फेज आया थर्ड फेज 1991 ऑनवर्ड से, ठीक है, जहां पर बैंकिंग सिस्टम को और लिबरलाइज और चैनलाइज और ट्रांसपेरेंट किया गया. The major growth drives are increase in retail credit demands. जो आपकी major growth हुई वो कहाँ पे हुई? Retail credit demands में हुई, ATM में हुई, debit cards, NPAs of securitization, improve microeconomic conditions, diversification, interest rate, regulatory and policy changes. जैसे amendments to the banking regulation act, तो यहाँ पे कुछ certain changes किए गए और customer को और ज़्यादा transparent services provide की गई. Certain trends like growth, competitive, product innovation and branding, focusing, standing risk management system, emphasize on technology and emerge in a recent past. अब नेक्स्ट जो हमारा फेज था वो अमलगमेशन भी हुआ बैंक्स का. तो यहाँ पर जितने भी तो लार्जर बैंक वुड बी रिलेटिवली एडवांटेज हैंड्स द रिसेंट यूनियन कैबिनेट ऑन 15-2007 अप्रूव द मर्जर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद फाइव ऑफ इट्स एसोसिएट बैंक, जहाँ पे बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, ये सारे बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली मर्ज किए हैं. तो यहाँ पर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो हमारे बैंकिंग के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. तो बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर एंड अदरवाइज. तो हमारी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है जिसका सेक्शन 5B हमें बताता है कि यहाँ पर बैंकिंग चैनल का हम यूज करते हैं किस लिए, मनी लैंड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, डिपॉजिट्स के लिए, इन शॉर्ट पब्लिक की हेल्प के लिए. और यहाँ पर आप विड्रॉ कर सकते हैं अपना पैसा थ्रू चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट. All banks which are included in the second schedule, the Reserve Bank of India Act. Act कौन सा Reserve Bank of India का? 1934. RBI is apex bank, यानी कि जो आपका RBI है वो क्या है? Apex bank है. Regulatory bank है, जो सारी banks को regulate करेगा. तो यहाँ पर आप एक chart देख रहे होंगे जिसमें आपको RBI दो banks में divided दिख रहा है, Scheduled bank and Unscheduled bank. शेड्यूल बैंक में आपके सारी कमर्शियल बैंक आते हैं और अनशेड्यूल बैंक में कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं. कमर्शियल बैंक में हम पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, रीजनल रूरल बैंक्स, इन सबको इंक्लूड करेंगे, ठीक है. एंड पब्लिक सेक्टर में आपका SBI आ जाएगा, अदर नेशनलाइज बैंक आ जाएंगे एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाएंगे. तो जो कुछ और रिफॉर्म्स हुए थे वो अगस्त 1991 से स्टार्ट किए गए थे. द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी अंडर द चेयर ऑफ एम नरसिम्हा
which worked for liberalization and impacting of banking practice. The committee submitted a report in 1991 and the following recommendation were given. यहाँ पर 1991 में एक कमेटी को अपॉइंट किया गया था जिसकी चेयर को होल्ड किया था यानी कि उनके चेयर पर्सन थे एम नरसिम्हा जिन्होंने बैंक को और लिबरलाइज और इफेक्टिव बनाने की पूरी कोशिश की थी एंड इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था नवंबर 1991 में जिसके इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन वर इज फॉलोज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फोर टायर हायरार्की फॉर बैंकिंग स्ट्रक्चर हायरार्की मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जाने वाला एक रास्ता आप समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके हेड हो गए फिर उसके सबऑर्डिनेट्स हो गए ये हायरार्की होती है तो उन्होंने कहा कि आपको फोर टायर यानी कि चार तरीके की एक हायरार्की बैंकिंग स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करनी चाहिए कंसिस्ट ऑफ थ्री टू फोर लार्जर बैंक विद SBI एट द Private sector bank should be treated equally with the public sector bank. Private sector bank को भी public sector bank की तरह equally treated किया जाएगा. And government should be contemplate to nationalize any such bank. और government के ऊपर है कि वो उनको nationalized bank ही consider करे. The ban on setting new banks in a private sector should be lifted. कुछ banks को जो है नए private bank को शुरुआत करने में उस चीज को भी रोका गया. The government has to more liberalize in expansion of foreign bank branches and foreign operations in Indian banking should be rationalized. यानी कि foreign bank की जो branches हैं उनको कम किया गया. Rationalize means होता है कम किया जाना. The statutory liquidation ratio and a cash reserve ratio was to be progressively brought down from 1992. जो आपका ये liquidity ratio था उसको control किया गया. Cash reserve ratio था उसको भी control किया गया. उसको progressively उसकी growth पर ध्यान दिया गया. The directors credit program should be re-examined and priority sector should be redefined. Banking industry should follow BIS, Bank of International Settlement. कुछ और norms थे जो बैंक को follow करने थे. So यहाँ आपको recent trends दिख रहे होंगे, recent changes दिख रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज हो गई रियल क्रॉस टाइम सेटलमेंट हो गया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज हो गई ऑटोमेटिक यानी कि ATM हो गया ऑटोमेटिक टेलर मशीन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ये कुछ रीसेंट ट्रेंड्स हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम जो रीसेंट बैंकिंग चैनल्स हैं उनकी अपब्रिंगिंग उनके अपग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे तो जो यहाँ पे टेली बैंकिंग हो गई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज हो गया नेट बैंकिंग हो गई मोबाइल बैंकिंग हो गई अमलगमेशन ऑफ बैंक हो गया इन सबको अप्रूव करता है इन सब के बारे में हमें बताता है तो टेली बैंकिंग यानी कि आप किसी इट फैसिलिटेट द कस्टमर टू डू एंटायर नॉन कैश रिलेटेड बैंकिंग ऑन टेलीफोन आप अपने फोन के थ्रू अपना कोई भी पैसा या फंड ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज हो गया तो आप इलेक्ट्रॉनिकली अपना कोई भी डाटा इंटरचेंज कर सकते हैं आइदर इट्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर इनवॉइस शिपिंग नोटिस रिसीविंग एडवाइस एक्सेट्रा ठीक है नेट बैंकिंग जैसे आप जानते हैं कि आप कहीं से भी कुछ भी बुक कर सकते हैं रेलवे टिकट्स बुक कर सकते हैं शॉपिंग कर सकते हैं आपकी शॉपिंग साइट्स हो गई जिनको इनसे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला परचेजिंग सिनेमा टिकट हो गए परचेजिंग शेयर ये सब नेट बैंकिंग का पार्ट हुए मोबाइल बैंकिंग जो हम सबके हाथों में अवेलेबल है जितने ऐप्स हो गए चाहे वो पेटीएम हो गया या और कोई भी मनी ट्रांसफर बैंक हो गए गूगल पे हो गया ये सब मोबाइल बैंकिंग का ही पार्ट है अमलगमेशन बैंक को कंसोलिडेट किया गया अमलगमेट किया गया उनकी वर्किंग को और इनहांस करने के लिए सो हर एरिया में कुछ न कुछ चैलेंजेस रहते ही हैं इसलिए बैंकिंग सेक्टर में भी रहे तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया यानी कि लोगों ने बैंकों का पैसा लेके वो पैसा वापस नहीं करा तो बैंकों ने उस पैसे को NPA की कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नई नई टेक्नोलॉजी आई तो बैंक ने उसके अकॉर्डिंग अपनी आगे की वर्किंग कोपअप की वर्ल्ड वाइड बैंकिंग इंटरनेशनल ट्रेड्स हो गए साइबर क्राइम हो गए साइबर क्राइम जैसे आपने देखा कि लोग आपका OTP पूछ लेते हैं या गलत फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करते हैं ये सब इन्हीं सब में शामिल हुई So here is my conclusion. I hope you like this video. So that's all from my side. Thank you.